So hi guys, welcome back to channel. This is Anurag Gupta and you are watching Recruitment Hub. दोस्तों हम आ चुके हैं लाइव सेशन में. इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट देंगे, उसके बाद आपको आपके स्टेट के जॉब बताएंगे सवाल लेकर. लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आप अगर नए हो तो आप ज़रूर से इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. नाम देख लीजिए, ये टेलीग्राम का ग्रुप है. इसमें आपको इंडिया में आने वाली सारी गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट मिल जाते हैं सबसे पहले. तो आप ज़रूर से इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. आप देख सकते हैं इसमें हाई कोर्ट की, देन आपको PWD डिपार्टमेंट की, देन पुलिस की, देन आपको कृषि विभाग की सारी वैकेंसीज की लिंक यहाँ पे शेयर की गई हैं, जिससे आप अप्लाई कर सकते हो. तो आप ज़रूर से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. चलिए अब हम देख लेते हैं आज के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट. और सबसे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फ्रेंड हमसे जुड़ पाएँ. चलिए चलते अपनी वेबसाइट पर. तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट का नाम दिखला देता हूँ, लिंक दिखला देता हूँ. देखो ये हमारी वेबसाइट का नाम है recruitmenthub.in. देखो ये वेबसाइट का लिंक है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो या कॉपी कर लो, ताकि आप आराम से इसे बाद में वेबसाइट को खोलकर अपने स्टेट की वैकेंसी अप्लाई कर पाओ. ठीक है, चलिए हम इस वेबसाइट को खोल लेते हैं. आप देख सकते हो ये वेबसाइट खुल गई है. अब हम नीचे जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे पहली वैकेंसी जो आई है ना, वो आई है लुधियाना कोर्ट से. यहाँ पे 37 पियोन व प्रवर के पदों पर वैकेंसी आई है. 8वीं पास, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए पंजाब की वैकेंसी है लुधियाना की, 10,680 रुपये पर मंथ की. आई है MSC बैंक से. यहाँ पे 195 जूनियर ट्रेनी ऑफिसर व क्लर्क के पदों पर वैकेंसी आई है, जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं. और यहाँ पे सैलरी आपको मिलती है 30,000 से 45,000 रुपये पर मंथ की. कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए. अगली वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो अगली वैकेंसी आई है NIPS जोधपुर से. और यहाँ पे 19 असिस्टेंट स्टाफ नर्स व अन्य पदों पर वैकेंसी आई है, जिसके लिए आप 7 जून से पहले तक अप्लाई कर सकते हो. और इस वैकेंसी के लिए ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं. दोस्तों आप अपने स्टेट का नाम साथ ही अपना क्वालिफिकेशन कमेंट करिए लाइव में, मैं आपको आपके स्टेट के जॉब बता दूंगा. या आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लाइव में आपके सवाल का जवाब देने ही आया हूँ. दोस्तों अगली वैकेंसी की बात करें तो अगली वैकेंसी है DNS बैंक से. यहाँ पे आपको 31 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं. कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई. दोस्तों अगली वैकेंसी की बात करें तो अगली वैकेंसी आई है हाई कोर्ट से, तेलंगाना से. यहाँ पे आपको 50 सिविल जज की पोस्ट है, जिसके लिए LLB वाले अप्लाई करेंगे. सैलरी मिल जाएगी 30,000 से 50,000 के बीच में. और इसका लास्ट, अगली वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो अगली वैकेंसी आई है पुलिस डिपार्टमेंट से. कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, जिसके लिए 12वीं पास अप्लाई करेंगे. और सैलरी मिलेगी 31,000 से 66,800 रुपये पर मंथ की. ये केवल मेल की वैकेंसी है केरला की. और यहाँ पे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. तो दोस्तों ये तो हो गए आपको वैकेंसीज के अपडेट. अब मैं आपके सवाल लेता हूँ जो आपने कमेंट किए थे आज के वीडियोज़ में, और आपको बताता हूँ उनके जॉब्स की, आपके स्टेट में कौन सी वैकेंसीज हैं. तो चलिए हम देख लेते हैं आपके स्टेट में अभी कौन कौन सी वैकेंसीज हैं आपके कमेंट लेकर. तो दोस्तों सबसे पहले जो पूछा गया है वो पूछा गया है सवाल कि सर, रिमझिम वर्मा पूछती हैं सर, क्लास 12th हूँ, साथ ही उत्तर प्रदेश से हूँ, आप इस उत्तर प्रदेश की 12वीं पास की जॉब बता दो. तो देखो उत्तर प्रदेश वाले पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं. 40,000 वैकेंसी है पूरे इंडिया में. 10वीं पास क्वालिफिकेशन है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, गर्ल्स के लिए कोई फीस भी नहीं है. तो रिमझिम आप पोस्ट ऑफिस का फॉर्म भर सकती हो, 10वीं पास के लिए है. वहाँ पे 4 से 6 घंटे की ड्यूटी है, सैलरी आपको मिलती है वहाँ पे 10 से 12,000 रुपये पर मंथ की. ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो वहाँ पे ये बेनिफिट है कि आपको कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, और गर्ल्स के लिए फ़ीस भी नहीं है. बॉयज़ के लिए 100 रुपये का फ़ीस है. ऑल इंडिया की वैकेंसी है. चलिए अगला सवाल हम लेते हैं और देखते हैं अगला सवाल. तो अगला सवाल जो है आपको, 1 मिनट, अगला सवाल है आपको नरगिस काजी का. वो बोलती हैं कि वो मध्य प्रदेश में रहती हैं और 2015 में MSc जियोलॉजी से की हुई हैं. तो फूड डिपार्टमेंट की वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकती हैं कि नहीं,
देखो एमएससी वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इस वैकेंसी में ना अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है फूड डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, डिटेल्ड क्वालिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन फूड डिपार्टमेंट की जॉब्स में अक्सर आपको जो भी आपको होते हैं फूड डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो सारे लोग अप्लाई करते हैं, इंक्लूडिंग जूलॉजी वाले। ठीक है, तो आपको इंतज़ार करना होगा सबसे पहले तो जून और जुलाई मंथ का, जब ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भरना उस मंथ में इसका डिटेल्ड क्वालिफिकेशन या डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसको देखकर आप जान पाओगे कि हाँ इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। वैसे होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो आप दोनों के सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया है। अब हम देखते हैं बाकी दूसरे सवालों को जो कि आप लोगों ने पूछा है। बहुत सारे सवाल आए हैं, मुझे लगता है कि करीबन 150-200 सवाल आए हैं आप लोगों के, तो मैं सबके जवाब देता हूँ आपको। अगला सवाल जो है वो आपको है PB46 वाला मैन की, वो बोलते हैं मैं काजल हूँ और मैं पंजाब से 8वीं पास हूँ। तो मैं बता दूँ आपको पंजाब में आज जो वैकेंसी आई है 8वीं पास की, कौन सी आई है तो मैं बता दूँ आपको, देख सकते हो आप स्क्रीन पे ही, यहाँ पे आपको लुधियाना कोर्ट की वैकेंसी आई है जो कि पंजाब की ही है, और यहाँ पे आपको 37 पियोन व प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है जिसके लिए 8वीं पास व 10वीं पास अप्लाई करेंगे, सैलरी मिलेगी 5 से 11 हज़ार के बीच में, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और यहाँ पे कोई फीस भी नहीं लगता है। ठीक है, तो इसके लिए काजल आप अप्लाई कर सकती हो पंजाब से। अगला पूछते हैं विशाल भोर, ब्रदर आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जॉब बता दो आप। तो चलिए हम देख लेते हैं महाराष्ट्र में अभी के टाइम में कौन कौन सी वैकेंसी है। वैसे पोस्ट ऑफिस का फॉर्म भर सकते हो, उसके बाद कौन कौन सी वैकेंसी, तो सबसे पहले हम देखो नीचे जाएंगे और जाएंगे कैटेगरीज के सेक्शन में। यहाँ देखो कैटेगरी, यहाँ पे आपको सारी क्वालिफिकेशन वाइज यानी कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएट ITI सबकी जॉब से, साथ ही स्टेट वाइज भी यहाँ पे नाम लिखे हैं। हमको जानना है महाराष्ट्र की जॉब, समझाएंगे महाराष्ट्र में और केवल महाराष्ट्र की जॉब खुल जाएगी। तो देखो महाराष्ट्र में अभी सबसे जो पहली वैकेंसी है वो आपको है MSC बैंक से, यहाँ पे 195 ट्रेनिंग जूनियर ऑफिसर व क्लर्क की वैकेंसी है जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए सैलरी मिलेगी 30 से 45 हज़ार रुपये पर मंथ की, और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है महाराष्ट्र में DNS से, यहाँ पे 31 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, इसके लिए भी कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई करेंगे, सैलरी स्पेसिफाई नहीं है लेकिन 30 से 60 हज़ार के बीच में मिल जाएगी, और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगली वैकेंसी की बात करें तो अगली वैकेंसी आप देख सकते हो महाराष्ट्र में जो है वो आपको है महा ट्रांसको से है, और यहाँ पे आपको असिस्टेंट मैनेजर के असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पर वैकेंसी है जिसके लिए BE/BTEC अप्लाई करेंगे, सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी 50,000 प्लस मिलेगी, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगली वैकेंसी की बात करें ना तो अगली वैकेंसी जो महाराष्ट्र से है वो आपको है MPSC के डिपार्टमेंट से है, और ये वैकेंसी है 12वीं पास के लिए व डिप्लोमा के लिए, यहाँ पे 253 स्टीनोग्राफर व स्टीनोटाइपिस्ट की पोस्ट है जिसके लिए मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है, सैलरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी 25,500 से 1,32,300 रुपये पर मंथ की। दोस्तों अगली वैकेंसी की बात करें महाराष्ट्र की तो अगली वैकेंसी का डेट निकल चुका है, तो ये सारी वैकेंसीज थी महाराष्ट्र की इंक्लूडिंग पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी जो कि 40,000 की है। अगला हम सवाल लेते हैं, तो अगला सवाल जो है ना वो है आपको मीनू से अमृतसर की वैकेंसी पूछ रही है, तो चलिए हम देख लेते हैं पंजाब में लुधियाना कोर्ट को छोड़कर और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग के जो सवाल है ना आप अपने सवाल पूछ लीजिए तो मैं आपको बताऊँ। तो चलिए हम देखते हैं पंजाब में लुधियाना कोर्ट को छोड़ के और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों पंजाब में देखो पहली वैकेंसी लुधियाना कोर्ट वाली है 37 पियून की 8वीं व 10वीं पास के लिए, दूसरी वैकेंसी जो है वो आपको है PSPCL से ITI पास के लिए अप्रेंटिस के पोस्ट है 1690 असिस्टेंट लाइनमैन के, यहाँ पे 6,400 से लेकर 2,200 रुपये की सैलरी मिलती है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी देखो PSPCL में जो है, अच्छा पंजाब में जो है वो आपको PPSC से है, यहाँ पे 119 असिस्टेंट अटर्नी डिस्ट्रिक्ट के पोस्ट हैं जिसके लिए LLB वाले अप्लाई करेंगे, सैलरी मिलेगी 35,400 की, और यहाँ पे लास्ट डेट है 20 मई, तो ये वैकेंसी है। ठीक है, पंजाब में
बाकी और कोई भी वैकेंसी नहीं है। हाँ, पंजाब वाले आपको पोस्ट ऑफिस का भी फॉर्म भर सकते हैं, 10वीं पास के लिए है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। वीडियो मैंने बनाया है, चैनल पे देख लेना। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल जो है वो आपको है आर्या गेमिंग से, क्लास 4 क्लास 12 की वैकेंसी के बारे में पूछ रहे हैं वो। तो चलिए हम देख लेते हैं क्लास 12 में अभी फिलहाल कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। 12 कैटेगरी नीचे जाएंगे और देखेंगे, यहाँ पर देखो क्लास 12 का कैटेगरी है, हम इस पर जाएंगे तो इस पर आपको सारी 12th पास की वैकेंसी दिखेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 12 जो पहला वैकेंसी है वो आपको केरला से है, पुलिस की वैकेंसी है, 99 पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट हैं जिसके लिए सैलरी मिलती है 30,000 से 60,000 की। मेल के लिए केवल अप्लाई नहीं करेंगी और यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। अगली वैकेंसी जो है 12वीं पास की वो आपको है त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन से, यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट हैं जिसके लिए 12वीं पास प्लस डिप्लोमा अप्लाई करेंगे, सैलरी मिलेगी काफ़ी अच्छी 24,000 के अराउंड 30,000 के अराउंड, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी देखो जो है आपको वो आपको आईएल से है और यहाँ पे आपको 130 मैनिंग नेट ब्लास्टर इंजन ड्राइवर के पोस्ट हैं जिसके लिए 10वीं पास 12वीं पास अप्लाई करेंगे, ऐसा आपको नोटिस है, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है आईटीआई पास वाले अप्लाई करेंगे। अप्रेंटिसशिप है तो यहाँ पे सैलरी मिलती है 9,153 रुपये, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी देखिए जो है आपको 12वीं पास के लिए वो आपको महाराष्ट्र से है और यहाँ पे एमपीएससी की वैकेंसी है और इसके लिए 12वीं पास अप्लाई करेंगे, डिप्लोमा वाले अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 253 स्टीनोग्राफर व स्टीनोटाइपिस्ट के पोस्ट हैं जिसके लिए सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है और यहाँ पे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी देखिए जो आई है वो आपको आई है तेलंगाना पुलिस से, यहाँ पे 16,032 कांस्टेबल के पोस्ट हैं जिसके लिए 10वीं पास प्लस आईटीआई वाले अप्लाई करेंगे या फिर 12वीं पास अप्लाई करेंगे, सैलरी अच्छी मिलेगी, ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई। ये वैकेंसी का डेट अभी फिलहाल है, ये कर्नाटक की वैकेंसी है जिसके लिए 12वीं पास अप्लाई करेंगे और इसके लिए 20,000 से 45,000 की सैलरी मिलेगी, कोई फीस नहीं है, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट 18 मई। ये हो गई आपको 12वीं पास की वैकेंसी। अब चलिए हम देख लेते हैं आपको अगला सवाल। तो दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल जो है वो आपको है साक्षी गुप्ता का, वो पूछती है 10वीं पास का जॉब बताइए सर। उसके बाद जो सवाल है वो आपको हरियाणा से है 12वीं पास की वैकेंसी। तो मैंने आपको जो भी बताया है सब 12वीं पास की वैकेंसी थी, हरियाणा में जो जॉब से वो बता दूंगा आपको। सबसे पहले 10वीं पास की वैकेंसी बताता हूँ साक्षी गुप्ता नैना को। तो चलिए साक्षी गुप्ता जी, हम चलते हैं कैटेगरी के सेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा कैटेगरी का सेक्शन स्टार्ट होता है लास्ट में 10वीं है, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स है 10th पास के लिए, सो लेट्स बिगिन। तो जो पहली वैकेंसी है 10वीं पास के लिए वो आई है लुधियाना कोर्ट से, 8वीं व 10वीं पास के लिए है, 37 प्योर प्रोसेस सर्वर के पोस्ट हैं, सैलरी मिलेगी 5 से 10,000 की, कोई एग्जाम नहीं है और यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है क्योंकि 10वीं आपके पास की जॉब है। अगली वैकेंसी है आंगनवाड़ी से और यहाँ पे आंगनवाड़ी का बल्लापुर की वैकेंसी है, 76 आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर के पोस्ट है जिसके लिए 4th पास 9वीं पास 10वीं पास अप्लाई करेंगे, सैलरी एज पर रूल्स मिलेगी और ये केवल महिलाओं की वैकेंसी है। अगली वैकेंसी है 10वीं पास के लिए बिजली विभाग से, यहाँ पे 65 टेक्नीशियन ग्रेड इलेक्ट्रिसिटी लाइन पोस्ट हैं जिसके लिए 10वीं पास आईटी पास वाले अप्लाई करेंगे और ये वैकेंसी है उत्तराखंड की, सैलरी आपको एज पर रूल्स मिलेगी, डिपोटेशन बेसिस पे है तो फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगली वैकेंसी देखो यूसील से है, बता चुका हूँ 10वीं पास की है लेकिन ये अप्रेंटिसशिप है तो यहाँ पे आपको आईटीआई लगना चाहिए लेकिन मांगा नहीं गया इसीलिए 10वीं पास लिखा हुआ है। और जो सबसे अच्छी वैकेंसी है सारी वैकेंसीज में सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो आपको है पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी, बम्पर भर्ती है 38,926 पदों पर, सीधी भर्ती है, कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, आपने जो मार्क्स लाए हैं 10th क्लास में उसके परसेंटेज के आधार पर ये आपको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑल इंडिया की वैकेंसी है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो, आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हो आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो। चलिए देख लेते हैं और कोई सवाल है आपके तो मैं उस सवाल का जवाब दे दूँ।
तो चलिए दोस्तों, अब हम कल मिलते हैं एक नए लाइव सेशन में और आपको बताते हैं आपके जॉब्स को अपडेट। कल हम आपको जॉब्स के अपडेट देंगे कल के वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, सबा खैर।